जब बैंगलोर की जमीन और जगह की कीमत बढ़ी, तब से क्राइम रेट भी बढ़ गया। ये जो नाम के रियल एस्टेट बिजनेस है, ये बिना काम के पैसा छापने लगे। ये 8 अलग अलग जगह तक काफी फैल चुका था। ये कोई नहीं जानता था कब, कहां और कैसे लोग जमीन के लिए मारे जाएंगे। ऐसे ही हजारों कहानियों में ये एक आम कहानी है। प्रशांत, किशोर और सुमा कॉलेज के दिनों से ही अच्छे दोस्त हैं। सबसे पहले यहां पर अगर जुर्माना भर और फिर अपनी औलाद को लेके जाए यहां से। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी औलाद ने क्या किया था? उसने रेप किया था तो उसको वैसी सजा मिली। कैसी घटिया औलाद पैदा की है तूने। देख, मेरी बात सुन, थोड़ी देर बाद मैं कॉल करूंगा। मैं जिस जगह बोलूं पैसा लेके वहां पर आ जाना। पुलिस ऑफिसर किशोर पागल है बहुत। कम समय में ज्यादा पैसा कमाता है, फिर फर्क नहीं पड़ता वो कैसे कमा रहा है, बस पैसा आना चाहिए। प्रशांत, एसपी बिल्डर का मालिक, कम उम्र में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था और इसका कोई भी अपना नहीं है। प्रशांत का सारा बिजनेस उसकी दोस्त सुमा देखती है। लेकिन एक दिन सुमा को नौकरी छोड़नी पड़ी। कारण, उसका पति राजेश। राजेश को सुमा और प्रशांत के ऊपर शक हुआ। राजेश को अभी भी लग रहा था इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए सुमा ने नौकरी छोड़ दी। सुमा कैंडिडेट का इंटरव्यू लेती और सेलेक्ट करती कंपनी के लिए। इसका नाम है प्रिया। प्रिया, जब सुमा को पता चला कि वो अनाथ है, उस दिन से उसने उसे अपने घर रखा बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह, और उसकी अच्छी तरह देखभाल करी। और तो और, प्रशांत को भी प्रिया पसंद आने लगी और प्रिया को भी प्रशांत पसंद आने लगा। इतना कि उन दोनों की पसंद कब प्यार में बदल गई और उन दोनों ने शादी कर ली। तथास्तु। दो दिन बाद प्रशांत को ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा काम के सिलसिले में। एक महीने बाद जब प्रशांत ऑस्ट्रेलिया से वापस आया, उसने अपनी बीवी के साथ हनीमून ट्रिप प्लान किया। हमेशा जो सिक्योरिटी के साथ चलता था हर जगह, अब वो अपनी बीवी के साथ अकेले हनीमून ट्रिप पर जा रहा था। कुछ लोग इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पता है भगवान ने भेड़ और हिरण जैसे झमुरों को क्यों बनाया? ताकि उन्हें शेर और शेर के बच्चे और उनके दोस्त आराम से खा सके और उनकी बोटी बोटी खाकर उनकी अपनी भूख मिटा सके, ताकि बैलेंस बना रहे। और तुझे पता है तू क्यों पैदा हुआ? ताकि मैं तेरा शिकार कर सकूं। ये प्रकृति का नियम है और तूने इस नियम को तोड़ा तो तेरी खोपड़ी फोड़ के मांस बाहर निकाल दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई हा? बता, तूने 300 करोड़ का डील कैसे तोड़ दिया? भाई, मेरे से गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए। मैं पूरी जिंदगी आपका गुलाम बनकर रहूंगा। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए भाई, भाई छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए भाई। डर, 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 यही डर चाहिए मुझे। ये जो तेरी आंखों के अंदर जो डर है ना, वही चाहिए मुझे। और जो मेरे रास्ते में आएगा। भाई, गलती हो गई भाई, माफ कर दो। इस बार
मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा, मैं वादा करता हूँ भाई आपसे। मुझे भी ऐसा ही कुछ चाहिए। ये ले तेरा डेथ सर्टिफिकेट। भगवान, भाई, भाई। अरे ये क्या, तू सुसाइड कर रहा है? ए, इसको न्याय भी नहीं मिला तो ये मर रहा है और अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ रहा है। अयो, ये सब देख के तेरे पे तो दया आ रही है रे मुझे। ए जोनो, भाई भाई छोड़ दो भाई, ले जाओ इसको और देखो किसकी खोपड़ी में कितना मांस भरा हुआ है, लेके जाओ इसको। ए, भाई अकल यहां से, भाई भाई बोल बे। सूरी, इसको काफी तजुर्बा है रियल एस्टेट बिजनेस का। जब इसको प्रशांत की वजह से बिजनेस में लॉस हुआ, तब से उसको मारने का प्लान कर रहा है। दूसरी तरफ सुमा का पति राजेश, उसने किसी को पैसे दिए प्रशांत और सुमा को मारने के लिए। कल ये हनीमून मनाने जा रहे हैं, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा भाई। मैं कल डील फिनिश कर दूंगा, मुझे उन लोगों की ट्रैवलिंग डिटेल चाहिए। ठीक है भाई। इतना ही नहीं, कुछ और भी लोग हैं जो इसे जान से मारने के पीछे पड़े। प्रशांत को यह सब नहीं पता, इसलिए वो अपनी बीवी के साथ अकेले हनीमून पर जा रहा था। सर मुझे छुट्टी चाहिए। छुट्टी चाहिए किस लिए? नारायण जरा देखो क्या है। कल 2:30 बजे मुझे फोन कर देना। हाँ। नारायण, हम सुमा के यहाँ से चले जाएंगे, तुम एक काम करना, ऑफिस तुम ऑटो में चले जाना। ओके सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ना ना सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सर मेरे को कुछ डाउट है, आपकी और मैडम की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई? तुम मेरे पर्सनल लाइफ में जाना चाह रहे हो? चलो बता ही देते हैं तुमको। मेरी लव स्टोरी के सामने सोनी महिवाल की लव स्टोरी भी फेल है। अभी टाइम नहीं है, फिर कभी सुनाऊंगा। सर एक ही एक और डाउट है सर। तेरे डाउट की लिस्ट बहुत लंबी है, चल पूछ क्या जानना है, चल पूछ। वो क्या है ना सर, आपकी शादी को 1 महीना हो गया, लेकिन ना तो कभी आप कोई हनीमून पे गए और ना कोई फर्स्ट नाइट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, ऐसे कैसे हो गया? अबे तेरे सवाल जो हैं, कुछ ज्यादा ही पर्सनल होते जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है सर, मतलब सर 1 महीना शादी के हो गया, आप इतना कंट्रोल कर लिए, मैं तो पहले नाइट ही सब कुछ कर बैठा सर। ए नारायण, मेरे और प्रिया के बीच में शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं भी उसके साथ समय बिताना चाह रहा था। लेकिन काम की टेंशन, बिजनेस की टेंशन की वजह से समय नहीं बिता पाया। टेंशन फ्री अब जा करके हुआ हूँ मैं, इसलिए अब जाके हनीमून प्लान किया है। बढ़िया है सर, ऑल द बेस्ट सर। हाय, अंदर आओ। 5 मिनट। प्रिया और कितनी देर, वो बाहर इंतजार कर रहा है, वो अंदर नहीं आने वाला, तुम्हें ही जल्दी करना होगा। इंतजार करने दो, चावल पकने का इंतजार कर लिया, अब क्या ठंडा नहीं होने देगा? कोई पुराना डायलॉग लगा क्या? सिचुएशन में मैच हो रहा है। जाओ तुम। ओके सर। ऑटो। ये महाशय तो इतनी जल्दी में लग रहा है जैसे कुछ गरम खा लिया हो। हाय। कितना समय लेती हो प्रिया? सॉरी। हाय सुमा। हाय प्रिया, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। बाय सुमा। बाय। चले। बाय बाय। क्या करती हो तुम, फ्लाइट तुम्हारी वजह से कैंसिल करनी पड़ी, मुझे ड्राइवर बना के तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? दूसरे किसी देश फ्लाइट से जाने का क्या मतलब है, जबकि सब है यहाँ, वहाँ ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है? जैसे हम गाड़ी से जा रहे हैं नेचर का मजा लेते हुए, क्यों है ना? ऐसा मजा फ्लाइट में रह करके ट्रेवल करने में बिल्कुल नहीं मिलता। क्या ये सब की जरूरत है हमें? हम कोई बिजनेस के काम से नहीं जा रहे हैं। वैसे भी तुम अपने जागीर के बारे में कहते रहते हो, मुझे देखना है, दिखाओगे ना?
सुपर है। मेरा एस्टेट जो है वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। देखते हैं। एक बार जाएंगे ना तो वापस आने का मन नहीं करेगा तुम्हें। तुम्हें पता है एक बात, वहाँ पे करियाना नाम का एक आदमी है, वो इस जगह का ऐसी जगह है ना कि एंजॉय करने के लिए एकदम बेस्ट जगह है। एक बार तुम चलोगी ना उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ कितना सही है। आदमी को जिंदगी में कितना चाहिए होता है, दो टाइम का खाना मिल जाए, प्यार मिल जाए, और क्या चाहिए। हाँ तुम लोगों की बस की नहीं है ये। घर पे जाके बैठो सालो। तुम्हारे भरोसे काम किया ना तो साला मुझे ही सूली पे लटकना पड़ेगा। ए सुमा। हाँ भाई। भाई ये लोग अपने ही एरिया में जा रहे हैं, नंदीग्राम। नंदीग्राम ये किधर है? कुछ ही किलोमीटर दूर है भाई। ठीक है गाड़ी निकालो। ए, ये 300 करोड़ का डील है, तू अभी बच्चा है, तुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड के अंदर, समझा क्या? अगर तुझे लगता है कि तू ये पैसे लेके यहाँ से निकल जाएगा तो ये सोचना भी मत। ये सारा पैसा मेरा है, सुन लेना मेरी बात कान खोल के। प्रशांत, प्रशांत क्या हुआ, वापस घर चले क्या?
इसके कहने का मतलब है इसकी माँ 150 साल तक इसके साथ रहेगी। ऐसा लग रहा है इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। क्या हुआ भाई, पंचर हो गया क्या? अरे ये तो पंचर हो गया यार, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा यार। अरे ये मेरा इलाका है, मेरे इलाके में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक कंडीशन है भाई, मैं तुम्हारा काम करवाऊंगा तो तुम्हें मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। अरे तुम टेंशन मत लो भाई, ये एरिया ना बहुत ही डेंजरस है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें इसके बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो आओ गाड़ी में, आओ बैठो। अरे आओ बैठो बैठो। मैं ट्राई करती हूँ। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. ये फोन भी ना। हो गया, चलो चलो चलो। मैं एक मिनट में आया। हाँ अरे प्रशांत, चलो चले। अरे रुको रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? रुको, अरे भाग कहाँ रहे थे भाई, मैं आ गया। चलो चलो, मुझे भूल गए क्या तुम? क्या भाई, तुम मुझे छोड़ के भागने वाले थे क्या? दे, तुझे लिफ्ट मिल गई ना, तो अभी चुपचाप बैठना। और ये साइकिल का पार्ट निकाल के कहाँ रखा तूने? समझ नहीं आया, ये पार्ट निकाल के तू करेगा क्या? दिस इज नॉट माई पार्ट, दिस इज माई साइकिल पार्ट। क्या भाई, आप कैसी बातें करते हो, मैं अपना पार्ट्स कैसे निकाल सकता हूँ? हाँ देखिए देखिए, मैडम कैसे हंस रही है, देखिए। अरे वो जो पार्ट्स था, मतलब मेरे जो साइकिल का पार्ट्स था ना, वो मैंने जंगल में छुपा दिया, सेफ प्लेस पे। इस जंगल में तुझे सेफ प्लेस कौन सी दिखाई दी? अरे इस जंगल को मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं यहाँ से ट्रैकिंग करता था ना। अच्छा? ट्रैकिंग बॉय है? या मुझे लगा लॉरी ड्राइवर है। अरे क्या बॉस, लॉरी ड्राइवर क्या होता है? अरे वो ट्रैकिंग नहीं पता आपको? वो ट्रैकिंग जो पहाड़ चढ़ के जाते हैं, जंगल में रास्ता एक्सप्लोर करते हैं। ट्रैकिंग, समझ आया। हाँ वही, वैसा बोलना। वैसे तुम रहते कहाँ हो? मैं वैसे तो बेंगलोर में रहता हूँ, लेकिन ट्रैकिंग मेरी हॉबी है, इसीलिए मैं जंगल में रहता हूँ। आप ना यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए, यहाँ से बाईपास है, शॉर्टकट पड़ेगा। ओके, ये रास्ते को क्या हुआ? अरे ये रास्ते का काम चल रहा है ना, ये तो ये लोग करते ही रहते हैं, इसीलिए हम लोग भी इसी रास्ते से जाते हैं। आप इधर से चलो ना, मैं बता रहा हूँ ये रास्ता बहुत ही आसान है। हाँ यही रास्ता है, आराम से। इन्फॉर्मेशन सही है ना? पक्का है, ये लोग यही रास्ता लेंगे नंदीग्राम जाने के लिए। Thank you.
क्या यहाँ तुम पहली बार आ रहे हो क्या? नहीं, पहले एक बार आ चुका हूँ यहाँ पे। हमारा एस्टेट है यहाँ पे। कहाँ कहाँ है? नंदीग्राम का। नंदीग्राम के हो तुम? अरे वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ये भी पहली बार आ रही है क्या? नहीं। हाँ। इस बार नहीं, फिर किसी बार। अब तो हम दोनों फ्रेंड्स हो गए हैं, नेक्स्ट टाइम कभी कॉन्टेक्ट करके तुमको बुलवा लूंगा। ये चीटिंग है भाई। मैडम की वजह से ऐसा बोल रहे हो ना। ये आपकी वाइफ है क्या? हाँ। तुझे कोई डाउट है क्या? हम शादीशुदा पति पत्नी हैं। हनीमून पे जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग हनीमून पे जा रहे हो, वो भी वाइफ के साथ? मैं तो ऐसी गलती कभी नहीं करता भाई। पागल, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम तो गजेंद्र है भाई, लेकिन सबको मुझे गजा गजा बोल के ही बुलाते हैं। अरे वो प्यार से बुलाते हैं भाई। गबरू हो या गजा? मैंने तुझे बोला था कि मैं ड्रॉप करूंगा तुझे सिर्फ, इससे ज्यादा मुझसे और कुछ एक्सपेक्ट मत करना तू। क्या हो गया बॉस? तू ये बता कि तुझे जाना कहाँ पे? बस बस भाई, हम बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं वहाँ पे। ए, तू उतर यहाँ पे। क्या हो गया भाई, आपने उतार क्यों दिया? सब अकेले ही करेगा क्या? क्या हुआ भाई? अबे मुझे भी एक सिगरेट दे। उफ, अरे भाई आपने तो डरा ही दिया मुझे। क्या भाई, मैं तो नर्वस हो गया था भाई। ट्रैकर है तू, फिर तुझे जानवरों से क्यों डर लग रहा है? तेरे को तो आदत तो नहीं चाहिए जानवरों की? डर वो भी जानवरों से? अरे यहाँ के जानवर यहाँ के लोगों से ज्यादा बेहतर है भाई। ये ट्रैकिंग के अलावा तू और क्या करता? और क्या भाई, ट्रैकिंग ही मेरा शौक है। प्रशांत, यहाँ आओ। क्या हुआ? मुझे ये लड़का अब साथ में नहीं चाहिए, इसे बोलो जल्दी से चला जाए। हाँ आप लोग बात करो बात करो। हम यहाँ कुछ पल अकेले गुजारने आए हैं, वहाँ पास में एक वाटरफॉल है, वहाँ इसको छोड़ते हैं और दूसरी गाड़ी से जाने को कहते हैं। गजा सुन, हम लोगों का थोड़ा प्लान चेंज हुआ है। यहाँ पे एक वाटरफॉल है सामने, हम वहाँ जाने का सोच रहे हैं। नो प्रॉब्लम भाई, आप लोग जाओ ना, नया नया शादी हुआ है ना, तो ये बात मैं समझ सकता हूँ भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप लोग जाओ। बाय बाय मैडम। थैंक यू बॉस। बाय बाय, ख्याल रखना बॉस। चलो चलते हैं। हेलो, तुम्हें ये वाटरफॉल के बारे में कैसे पता चला? बोर्ड पे लिखा है। ओह, कुछ तो सही नहीं है। अरे इतना समय क्यों लग रहा है? बॉस एक ही रास्ता है बॉस, अगर वो बाईपास पकड़ लिए तो वो यहाँ से निकल जाएंगे। ये रोड बाईपास यहाँ से कनेक्ट नहीं होती बॉस। जल्दी बैठो, चलो नंदी ग्राम की तरफ। फोन क्यों नहीं उठा रही? अच्छी जगह लग रही है यार, मुझे तो काफी खूबसूरत जगह लग रही है। तुम्हें कैसी लगी? अच्छा, कोई है क्या? तुम डर गई? अरे आओ ध्यान से चलो। प्यार में इंसान को जाने बगैर भी बढ़ते रहते हैं। अरे क्या रे तुम लोग, बोर्ड दिखाई नहीं देता? ये खतरनाक जगह है, कोई नहीं आता यहाँ पे। इतना बड़ा सरकारी बोर्ड नहीं दिखा तुम्हें? चलो चलो सड़क के रास्ते जाओ।
बॉस। हाँ? अब तक गया नहीं तू? अरे बॉस मैं बस निकल ही रहा था, लेकिन बॉस यहाँ ना 20 किलोमीटर पे ये गांव है, आप मुझे छोड़ देंगे क्या? प्लीज बॉस, प्लीज, थैंक यू बॉस, ड्रॉप कर दो। ओके राइट, चलो बॉस। अचानक तू चुप हो गया, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, पता चल क्या रहा है? अरे कुछ नहीं बॉस, एक्चुअली ना मैंने ऐसी कार कभी नहीं देखी बॉस। लाजवाब है भाई, आई लाइक योर कार भाई। कितने की पड़ी? कार भी कोई सोचने की चीज है क्या? जो लोग जंगल साइकिल के ऊपर ट्रेवल करते हैं मजे तो उनके हैं। हाँ भाई मजा तो है यार, लेकिन कभी कभी ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, पता है आपको? अरे भाई एक मिनट, रुको, एक मिनट भाई, क्या हुआ? स्टॉप प्लीज। ओ, ओ, प्रिया मैडम को कॉल। हेलो। हाय। कितनी बार कॉल किया मैंने, इतनी ज्यादा रोमांस में बिजी होना। अरे ऐसा कुछ नहीं है, फोन गाड़ी में था। तू बता क्या हुआ? तुमने यहाँ एक बैग भी छोड़ दिया है, वही बताने के लिए तो कॉल कर रही थी। बैग? किस तरह का बैग? ब्लू कलर का। इसमें कुछ जरूरी था क्या? ब्लू कलर का? वो तो कुछ जरूरी नहीं है, बस खोलना नहीं वो बैग। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में कॉल करती हूँ। घबरू नाम है तेरा, तेरी भी तो कोई लव स्टोरी होगी। अरे बॉस यहाँ तो बहुत 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 लव स्टोरीज है बॉस, आप कार में बैठो ना, मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ, अंदर की बाहर की सारी कहानियां बताता हूँ। आई टेल यू एवरीथिंग बॉस। बॉस वंस अपॉन अ टाइम मेरे घर के अपोजिट में ना एक लड़की रहा करती थी, उसका नाम था ना आशु। अजा तो क्या बोल रहा है, समझ नहीं आया, ठीक से बोल। यू ऑल्सो डोंट लाइक इंग्लिश बॉस, आई ऑल्सो डोंट लाइक इंग्लिश बॉस। एक्चुअली पता है क्या है बॉस, बात तो अपने लैंग्वेज में ही करने में मजा आता है, इंग्लिश का क्या है वो तो कोई भी बोल लेता है, बट आई लव इंग्लिश। इंग्लिश बोलते हो और मातृभाषा को इग्नोर करते हो? नेवर बॉस, ईस्ट एंड वेस्ट माई लैंग्वेज इज द बेस्ट बॉस। अरे वो क्या है ना बॉस, अब अंग्रेजों ने हम पे इतने साल राज किया, उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया, तो हम भी तो इस्तेमाल करें बॉस। इसीलिए ना मैंने कनाडा संगना बनाया बॉस। कनाडा संगना पता है? संग? यस। कमाल है, हर गली में यहाँ पे एक संग है और घर घर में लीडर है, संघ के नाम से आपस में लड़ाई करो बस। वैसे तुम बात तो एकदम करेक्ट बोल रहे हो बॉस, एक्चुअली मेरा मदर टंग कनाडा है, पता है तुम्हें, यू नो। अरे यार इधर उधर की बात मत कर, अपनी मातृभाषा पे ध्यान दे बॉस। कनाडा मेरी लाइफ है बॉस, कनाडा ने मुझे खिलाया है, पिलाया है, बड़ा किया है, पढ़ाई लिखाई कराया है, बहुत कुछ दिया है बॉस, सब कुछ दिया है। एकदम राइट बोल रहा है, सही बोल रहा है। अच्छा वो छोड़, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता, कंटिन्यू कर। आई हैव सो मेनी गर्लफ्रेंड बॉस, एक्चुअली क्या है ना रिलेशनशिप मेरे से ना ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है, तो वही होता है कि या तो कभी वो मुझे छोड़ के चली जाती है या कभी मैं छोड़ के चला जाता हूँ। इसने पक्का कुछ इंटरेस्टिंग लिखा है, इसीलिए मुझे देखने के लिए मना कर रही है। जरा देखती हूँ क्या लिखा है, देखती हूँ।
सुमार डार्लिंग का मिस कॉल। यस डार्लिंग। हाय। कैसे याद किया? क्या आप जल्दी मेरे घर आ सकते हैं? अभी आऊं? हाँ जी प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। ओके बाय, मिलता हूँ। कहो क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया? घर पे लगता है कोई भी नहीं है। इसलिए तुमने मुझे बुलाया क्या? प्लीज किशोर सीरियस हो जाओ, हाथ जोड़ दी हूँ। ओके फुल सीरियस। मैं बैठूं यहाँ पर? हाँ प्लीज बैठिए। आप ये पढ़िए, तब तक मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय पीजिए। यस कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट कैसे? मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, मेरी बात आप प्लीज ध्यान से सुनिए। प्रिया की एक हॉबी है कहानी लिखना, वो हमेशा लिखती है और अकेले चुपके वो उसी कहानी को एंजॉय करती है। एक दिन मैंने गलती से वो कहानी देख लिया और फिर मैं कहानी को पढ़ने लगी, तब मुझे पता चला कि कोई है जो हमेशा से इसके बहुत करीब है। ये उसकी अच्छी या बुरी सभी फीलिंग्स को कहानियों में लिखती है। शायद वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि वो उसे डायरेक्ट समझा नहीं सकती थी। उसने एक बार तो अपनी भावनाओं को कहानियों में लिखा था, लेकिन इस कहानी को पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे इसे प्रशांत के ऊपर डाउट है। वो कुछ तो उसने उसके बारे में कितना कुछ सोचा है, और इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी उसने इसमें ये भी देखा कि उसका मर्डर हो रहा है। डोंट वरी सुमा, मैं संभाल लूंगा। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है किशोर। क्या हो गया? सलाम साहब, मेरी बीबी हॉस्पिटल में है, क्या आप हमें वहाँ छोड़ देंगे? आज बस की स्ट्राइक लगी हुई है, प्लीज मुझे ड्रॉप कर दीजिए। हाँ हाँ, बैठ जाओ। थैंक यू थैंक यू। सुनो सबको क्यों बिठा रहे हो? शुक्रिया साहब। ठीक है, इससे अच्छा बस से चलते। भर लो और सभी लोगों को भर लो। आप बहुत अच्छे इंसान हैं साहब, आप अच्छे मददगार हैं सर। हेलो, हाँ हेल्पिंग नेचर है, मददगार है, हो गया अब तू चुप बैठ। क्या साहब, लगता है हमारा यहाँ आना आपको पसंद नहीं आया साहब? ए, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके ऐसे बैठ के बोलने से ऐसा ही उनको लगता है, लड़कियां ऐसी ही होती है, उनको चुप बैठना अच्छा लगता है। चुप चुप बैठ।
ए, तुम्हारा फोन बज रहा है, उठा लो फोन। और देख भाई। अरे तुम्हारा है यार। ओ मेरा है। ओहो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ आज सारे बस स्ट्राइक में है, स्ट्राइक की वजह से मैं एसी कार में आ रहा हूँ। रखो रखो, कट रहा है, लो देखो देखो। हटाना। हेलो। हाँ बैटरी भी डाउन है। हाँ रखो, जल्दी रखो। मेरी बीबी। हाँ तो मैं क्या करूँ, मैंने उसे बोल दिया। हाँ साहब आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? ए तेरे से क्या है, बोलो हनीमून पे जा रहे हैं, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? सुनो सुनो साहब, ये क्या आपका बॉडीगार्ड है? हाँ बॉडीगार्ड हूँ, उठा के गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। ए चुप, आपको देखकर मुझे एक शेर याद आ गया। शेर, शेर? कौन से कंपनी का शेर लिया है तूने? वो शेर नहीं रे, शायरी, जो शायर लिखते हैं। शायरी शायरी। क्या तुम्हारी हंसी है, चुप हो जाओ। अर्ज करो। अर्ज किया है? अरे तो करना अर्ज जल्दी से। सुनो हा? सुनो सुनो। हाँ तुम्हें देखकर मेरे दिल से एक आवाज आई। तुम्हें देखकर मेरे दिल से एक आवाज आई। वाह 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 वाह। तुम्हें देखकर मेरे दिल से आवाज आई। सुपर डुपर। तुम्हें देखकर वो आवाज तेरे पीछे से आई होगी। शांत रहो, चुप हो जाओ। तुम्हें देखकर मेरे दिल से आए। तुम्हें देखकर मेरे दिल से फिर एक आवाज आई, फिर जो तुमने छुआ तो दिल को अटैक आ गया। कैसा? बसवा सर। हाँ सर। मैं प्रिया के फेसबुक प्रोफाइल देख रहा था, उसकी फ्रेंड लिस्ट में, मुझे इस लड़की के ऊपर डाउट है। हाँ। इसका नंबर है क्या तुम्हारे पास? कॉल करो उसे। हाँ। बसवा तुम्हें पता है ना फोन पे क्या बात करनी है? हाँ ठीक है सर। हेलो 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 गौरव। हाँ मैं गौरव हूँ। तुमने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना। सही में तुमने नहीं पहचाना? नहीं, कौन हो तुम? गॉड प्रॉमिस। नहीं कौन हो तुम? मैं सोनी। सोनिया मुंबई फेसबुक चैटिंग, अब याद आए क्या? ओह हाय सोनी, क्या प्लीजन सरप्राइज दिया है तुमने, मुझे टस्ट नहीं हो रहा है, तुमने मुझे कॉल किया? क्या कहाँ हो तुम? जहाँ गिरिनगर पुलिस स्टेशन है वहीं हूँ मैं सामने वाले कैफे के पास हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ, 20 मिनट के अंदर तुम्हारे पास, ठीक है? मेरी बीबी जो है ना, उसको मस्ती करना नहीं आता। हैं? मस्ती करना? मतलब वो एंजॉय नहीं करती? ये चुप ना। ऐसा मत बोलो, समझे? एक बार पता है क्या हुआ? बोलना। नहीं तुम्हें पता है क्या हुआ? एक ढलती शाम को गाड़ी चला रहा था, मैं बिल्कुल मूड में था, रोमांटिक, फुल रोमांटिक मूड में था। फिर क्या हुआ? मैं भी मूड में था, वो भी मूड में थी, फिर मैंने फोन किया। मुझे लगा वो तेरे बगल में थी। वो घर पे थी। मैंने उसे एक शायरी सुनाया। चुप रहो। मैंने उसे कहा, पता नहीं क्या कहा, सो जाएंगे दुनिया वाले मगर हमें नींद नहीं आएगी, सो जाएंगे दुनिया वाले मगर हमें नींद नहीं आएगी। मतलब इसका क्या हुआ, अब मैं सोने नहीं जाऊंगा? पता है फिर उसने क्या कहा? गाली दी होगी। अच्छा हुआ तुम्हें नींद नहीं आ रही है, अगर तुम्हें नींद आ जाती तो, नहीं तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता। एक्सीडेंट 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 एक्सीडेंट। I'm going to go to the next one.
तो तुम लड़कियों की आवाजें सुनकर गली गली पहुंच जाते हो ना? लेकिन अगर कोई तुम्हें कॉल करता प्रॉब्लम में तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्या? फेसबुक वाली लड़की से ही बात करने के लिए बना? बता जरा, इडली के लिए, डोसा के लिए, पैसा के लिए, सबके लिए फेसबुक पे ही बात करोगे? कुछ जवाब तो दो। क्या तुमने अपने माता पिता की प्रॉब्लम जानी है? सर मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तो सिर्फ मारा है, मेरा बॉस तो उड़ा देगा। चल अंदर चल। सर मुझे क्यों लेके जा रहे हो? सर सर मुझे यहाँ पे बुलाने का कर। बता मुझे। सर बताता हूँ, सर सब कुछ बताता हूँ। एक सिगरेट दे जरा। ये लो बॉस। थोड़ी थोड़ी देर में तो सिगरेट चाहिए ही होता है बॉस। देखो कैसे सिगरेट पी रहा है। जो तुमको पीना है पी लो। शादी की दुकान चाहिए क्या सिगरेट? ये ले। नहीं नहीं मैं नहीं पीता हूँ। अरे तू तो खून पीता है। तुमको पीना है पियो, मैं नहीं पी सकता। क्या साहब, ये सिगरेट पीने से काफी ज्यादा नुकसान होता है। अच्छा? आपने वो ऐड नहीं देखा जिसमें हमेशा वो फेफड़ा दिखाते हैं? ए, तेरी शायरी से कम खतरनाक है वो एडवर्टाइजमेंट है। अगर हम लंग्स को दबाएंगे तो उसमें से बहुत ज्यादा एक गिलास तार निकलेगा भाई। ए तू चुप करना यार, दिमाग मत खराब कर। क्यों, सिगरेट पीने से डर लग रहा है? छोड़ दो पीना। अरे पी मैं रहा हूँ, तुझे क्यों इतना डर लग रहा है? हाँ तुम्हारी वाइफ तो हॉस्पिटल में थी ना, कैसी है तबीयत उसकी? वो ठीक है साहब, वो फर्स्ट क्लास है अभी। तो फिर तू झूठ क्यों बोल रहा था भाई? हाँ झूठ बोल के लिफ्ट ये मुझे दे रहे हैं, ये तो पूछने रहे हैं। कैसे झूठ बोलता है यार आदमी? तुम क्यों पूछ रहे हो? अच्छा छोड़ो, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। मुझे माफ कर देना मेरे भाई, ये फूक फूक के दुनिया जला देगा क्या? ए चलो 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 जल्दी अंदर बैठो। ए तू चुप रह। चलो चलो चलते हैं। इकबाल मियां। हाँ तुम क्या करते हो? सर मैं एक छोटा मोटा ड्राइवर हूँ। ए लॉरी ड्राइवर हो के तेरे इतने सारे बच्चे हैं, कोई तुझे कुछ बोलता नहीं क्या? किसी को जवाब देना ही क्यों है, तुम्हें पता है क्या? क्या? जितने ही बच्चे हम करेंगे उतने ही सरकार से फैसिलिटी मिलती है। अभी हाल ही में उन्होंने हमें शादी भाग्य दिया। पता नहीं क्यों हमें अन्ना भाग्य पसंद नहीं है, बाकी सब बेकार है। क्यों? शादी के बाद हम लोग एक बोरी चावल से, बताओ आखिर क्या होने वाला है? बच्चा और बीबी का एक बोरी चावल में कैसे गुजारा होने वाला है? हमेशा कुछ ना कुछ फ्री में मिलता रहता है सरकार की तरफ से, और तू ऐसा बोल रहा है? ऐसा ही तो है। ए, कुछ भी मत बोल। ऐसा है? चुप रह, बैठ जा। चलो जाने दो, छोड़ो। मैं एक और शायरी सुनाता हूँ, अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए चांद तारे लेके आऊं, अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए चांद तारे लेके आऊं। फिर पता है मेरी बीबी ने क्या कहा? तुम ड्राइविंग से चांद तारे तक चले जाते हो। हंस रहे, हंसो भाई। अरे यार मत हंसो, मेरा क्या जाता है। एक और शायरी सुनाता हूँ। बंद कर यार अपनी शायरी। मैंने कहा ओ ऐसे तो, ओ तुम्हें अभी वाली शायरी समझ में नहीं आई? और कोई सुनाता हूँ। हंस रहे हैं तो उन्हें हंसने दो, रो रहे हैं तो उन्हें रोने दो, सो रहे हैं तो उन्हें सोने दो, और टॉयलेट आए तो। ए, चुप रहो। क्या हुआ प्रशांत? हाँ अर्जेंट एक फोन लगाना पड़ेगा, बैटरी लगता है ऑफ हो गई। क्या हुआ बॉस? फोन बंद हो गया क्या? आपका बैटरी खत्म। और तुम्हारी बैटरी? अरे मेरा भी हो गया था। मेरे पास भी नेटवर्क नहीं है, नहीं पता। अच्छा हाँ ऐसा है हमेशा कैसे है। और एक शायरी। अरे चुप रहे अब वरना मार दूंगा मैं तुझे। चुप रहे। क्या हो गया प्रिया? क्या हुआ सर? पानी लोगी? पानी पियो। अरे यार पानी भी बोतल में खत्म हो गया। पानी चाहिए। मैं जाके पानी लेके आता हूँ।
तुम्हें 2 मिनट का समय दे रही हूँ, भागो जितना भी दूर भाग सकते हो। हाँ जा रहे उतर रहे उतरो जल्दी चलो जल्दी चलो। हाँ चलो चलो भागो। अरे वो आ रहे। चलो जल्दी उतरो जल्दी। मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मैं जाता हूँ मैडम। हाँ मैडम ले मैं जा रहा हूँ। चलो लेकिन मैडम प्रशांत क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? तुम कहाँ चले गई थी? मैंने एक मोर देखा, मैं उसे देखते देखते आगे चली गई। ये कहाँ गए? एक दूसरी गाड़ी आई, वो लोग उसमें जाके बैठ गए। दूसरी व्हीकल यहाँ? अच्छा चलो चलो चलते हैं, बैठो अंदर बैठो। बस 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 मैं आ गया। क्या बॉस कर रहे हैं आप? मुझे छोड़ के जा रहे थे क्या? तुझे तो गाड़ी मिल गई थी। अरे नहीं बॉस, मैं तो हल्का होने गया था, मेरा बैग यहीं पे है देखो ना। चल ले ले। चलो बॉस। हाँ जब तक कोई क्लीन नहीं होता है ना तब तक मजा ही नहीं आता है, एक बार क्लीन हो जाओ फिर हल्का लगता है एकदम। ये इन्फॉर्मर नानी जिसको मैंने भेजा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और नानी को बोला मोबाइल ट्रैक करने के लिए। हाँ सर, नमस्कार सर। आपका डाउट सही था सर, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है मैं उनका पीछा करता हूं। तुम्हारा डाउट सही निकला, प्रिया का जो स्क्रैच है वो बिल्कुल सही है। इस कहानी के अनुसार वो प्रशांत को आज खत्म कर देगी। सोमा प्रशांत बिल्कुल सेफ है, लेकिन उसको हम कब तक बचा के रखेंगे ये एक सवाल है। प्रिया उस लड़के के साथ कुछ तो कर रही है, ये बात पक्की है। क्या तुम्हें प्रिया के बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता है क्या? सोचो जरा। सुमा एक सवाल और, क्या तुम्हें बता सकती हो कि प्रिया का और भी कोई बॉयफ्रेंड था? सोचो। नहीं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो किसी और के साथ अफेयर कर सकती है। वो लोग अभी मासूम बन रहे हैं ताकि कोई डाउट ना हो। सुमा हाँ? एक और जरूरी बात, इस कहानी के अनुसार जो कुछ भी लिखा है तुम्हें भी कुछ हो सकता है, बी केयरफुल। क्लियर, वो फील्ड में है, उसे बाहर जाने को बोलो जल्दी। उसी
मूड लड़की, मूड में आओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या यार? सर मैं मूड में ही हूँ। क्या खाक मूड? हटो, मैं बताता हूँ मूड कैसे आता है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करते हैं। ओके। लड़का तुम्हारे सामने खड़ा हो तो उसे जक कैसे आना है और तब डायलॉग बोलना है। ओके सर, पहले मुझे डायलॉग तो दीजिए फिर करते हैं। अरे तुमने जितना पैसा दिया ना उसपे इतना ही मिलेगा। ठीक से करो, पहले अच्छे से डायलॉग बोलो फिर पैसा मांगना। चले आते पता नहीं कहाँ कहाँ से। मैडम ठीक से करिएगा। चलिए करते हैं। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मेरा दिमाग खाने के लिए। रेडी, मूड में आओ। साइड एक्ट्रेस हैं? हाँ, तुम्हें क्यों जानना है? चुपचाप ऑटो चलाओ। क्या मैडम, आप तो खामखा गुस्सा हो रही हैं। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था कि आप साइड एक्ट्रेस हैं या मेन एक्ट्रेस। आपका काम भी कितना मुश्किल भरा है ना। गंदे गंदे जोक्स पे आपको फालतू फालतू हंसना पड़ता होगा। है ना, सही कहा ना मैंने? ये मैं तुम्हें समझाना जरूरी नहीं समझती। चुपचाप ऑटो चलाओ, अपने काम से मतलब रखो, ज्यादा मत बोलो। नहीं मैडम, मैं चुपचाप गाड़ी नहीं चला सकता। आपको अगर मेरी बातें बुरी लग रही हैं तो आप टॉलरेट कर दीजिए। जीवन के सफर में हम चले राही बनके, राही बनके, राही बनके। हाँ आपको पता है मैडम, ये गाना मेरा बहुत पसंदीदा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जितना ज्यादा जितना कि मेरा मेरा मतलब है कि मेरी जिंदगी से भी ज्यादा मैं तुमसे। अरे कहाँ से पकड़ लाए? अरे कौन लाया इसे? एक्टिंग करनी आती कि नहीं? अरे उसने रात भर मेहनत करके डायलॉग लिखे हैं और तुम गोड़ गोबर कर रही हो। ठीक से क्यों नहीं करती है? कौन लाया तुम्हें यहाँ पे? ठीक से करो नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। समझ में आया कि नहीं? अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। समझ में आया कि नहीं? दोबारा यहाँ मत दिखना, समझी? पैक अप। देखा उसने कैसे सुनाया। ये लीजिए मैडम। थैंक्स। इतना टेंशन मत लीजिए मैडम, ये तो रोज का होता है। आप रोएंगी तो मेरा सीट भीग जाएगा मैडम। सीधा चलो। क्या हुआ, शूटिंग स्पॉट यहाँ नहीं है? वो तो आगे है। जैसा कहा वैसा करो। लड़कियाँ हमेशा ही रास्ता भूल जाती हैं, अक्सर गलती करती हैं वो लोग। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं पता। हे भगवान, तुम मुझे लड़कियों को समझने की शक्ति देना देवा। अरे ये रोड सीधा शमशान की तरफ जाता है क्या? ठीक। आइए। ये जगह देख रही है, ये मेरे दादाजी का हुआ करता था। दारू के नशे में उन्होंने सब कुछ गवा दिया और उसके बाद से तो मैं सिर्फ ऑटो ही चला। मुझे लगा तू किसी हीरो जैसे को प्यार करती होगी, लेकिन तू तो एक ऑटो ड्राइवर के चक्कर में। ए, तू तो एकदम नादान की तरह बात कर रही है। तुझे लगता है कि मुझे उससे सच में प्यार है? इट्स इम्पॉसिबल। मतलब ये बस ऐसे एक टाइम पास वाला प्यार है। और अभी तक हमने इंडस्ट्री में कुछ अचीव नहीं किया है, तो कुछ खर्चे उठाने के लिए वो काफी है, और फ्यूचर के लिए पहले से कोई है।
बस कुछ और दिन फिर मैं ये इंडस्ट्री छोड़ दूंगी। अगर सब कुछ मेरे प्लान के अनुसार हुआ तो मैं एक दिन करोड़पति बन जाऊंगी। हाय, कैसी हो, क्या कर रही हो? मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, मुझे तुम चाहिए। हे, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम शादीशुदा हो, तुम भूल रही हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज। तुम पागल हो गई हो, तुम अपने दिमाग से बाहर की बात कर रही हो, होश में रह के बात करो। सुनो, अगले हफ्ते हमारा हनीमून है, मैं चाहती हूँ तुम वहाँ आओ। क्या तुम पागल हो गई होगा? तुम्हारे हनीमून पे मैं क्या करूँगा? उसका खून कर दूंगी। क्या खून? हाँ। ए, ए, नहीं। मुझे लगता है तुम उसे नहीं मार सकते हो, तो ध्यान से मेरी बात सुनो। याद है तुम्हें पहले भी हम इस जगह पर आ चुके हैं, वहाँ पर ब्रिज के नीचे खाई है। याद है किसी ने कहा था कि एक बार कोई वहाँ से कूद जाए तो वो कभी जिंदा नहीं बचता। कैसे भी करके हमें ब्रिज को क्रॉस करना है, फिर तुम गाड़ी रुकवा देना। ये हमारे लिए आखिरी मौका है, इससे सुनहरा मौका हमें कभी नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं। If you don't mind, मुझे थोड़ा आगे छोड़ देंगे, मेरी बाइक खराब हो गई। ओके सर, बैठिए। थैंक यू। थैंक यू सर, वैसे मैंने कभी इस रोड पे पहले आपको नहीं देखा। नहीं सर, हम आते रहते हैं यहाँ पर। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? सब बेंगलुरु से आए हैं। बेंगलुरु? मैं भी बेंगलुरु से ही हूँ, अभी हाल में ही मेरी पोस्टिंग हुई है यहाँ पे। ओके। बेंगलुरु में कहाँ से? सर जयनगर में। ओ, मैं जेपी नगर से, मुझे पैदा होते यहाँ ले आए थे, मेरा पूरा परिवार यहीं रहता है। अच्छा सर। वैसे इस रास्ते से कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वैसे आप काफी अच्छी जगह आए हनीमून के लिए। वैसे मैंने उस जगह के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी है जहाँ पे आप लोग जा रहे हैं। वैसे अभी तक मैं वहाँ गया नहीं हूँ। वैसे ये भाई साहब कौन है जो आपके हनीमून के बीच में आ रहे हैं? फ्रेंड। वैसे मैं बिना कुछ जाने ये कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है हनीमून में कपल अकेले जाते हैं। यहाँ तुम अपने दोस्त को भी साथ लेके आए हो? ऐसी कोई बात नहीं है सर, हम रास्ते में जा रहे थे तो हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी, इन्होंने हमारी हेल्प किया था, लिफ्ट दिया इन्हें, साथ चल रहे हैं इसलिए। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बस बंजारी की तरह घूम रहा हूँ सर, और क्या मतलब ये है सर, दरअसल बात ये है सर कि मैं जंगलों के बीच घूमता रहता हूँ, ये जहाँ छोड़ेंगे वहाँ से फिर मैं ट्रैकिंग शुरू कर दूंगा। वाह, क्या जिंदगी है तुम्हारी। हाँ सर, सही बात। हाँ
हेलो। डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद मेरे सेंसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। लंबा अनुभव है मेरा। तुम दोनों तो अपने हनीमून में जा रहे हो और ये यहाँ इसलिए है क्योंकि इसने तुम्हारी मदद करी, इसलिए तुमने इसकी मदद की। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ है जो तुम्हारी बात मान लूंगा? मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम कौन हो, वो कौन है और ये कौन है। ऑफिसर, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। ए, गाड़ी रोक यहीं पे तुरंत। आपने लिफ्ट मांगा, वो आपको लिफ्ट दे रहे हैं। उनके पर्सनल बातों में आप क्यों पड़ रहे हैं? उनको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं आप? ए, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक आम आदमी हूँ जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा? मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। गाड़ी साइड में लगाओ तुरंत। क्या सर? सुना नहीं मैंने क्या कहा? गाड़ी साइड में लगाओ। ए इंस्पेक्टर, आराम से बात करो, ऐसे बदतमीजी मत करो। ए शाणे, अबे मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? Sorry, she's dead. सर, मेरी बात तो सुनिए एक बार। सर सर, मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ। सर सर, मेरी कोई गलती नहीं है। सर एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए सर, प्लीज सर। बसवा सर, मुझे लगता है ये कोई कहानी सुनाना चाहता है। मैं चलो बैठो। ठीक है सर। बोल। साहब मैं एक जूनियर आर्टिस्ट हूँ, मैं एक अच्छे से रोल का इंतजार कर रहा था। मैंने बाहर ऑनलाइन सर्च किया था। 3 दिन पहले मुझे एक एजेंट का कॉल आया, कहा इंस्पेक्टर का रोल करने के लिए। मुझे एक अच्छा ऑफर दिया। मैं ये सुन के खुश हो गया सर। मेरी मती मारी गई थी सर। कल उसने कॉल किया और कहा कि उसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हीरोइन के सामने परफॉर्म करनी होगी, अच्छे से करना। मैंने मान लिया सर। वो मुझे मैसेज भेजता रहा, उसने बोला कार आएगी और आई, और फिर मैं गाड़ी में बैठा और एक्टिंग कर रहा था सर। मेरे पास जो बंदूक है वो तो नकली है, मुझे नहीं पता कि वो कैसे असली में बदल गई और गोली चल गई। मैं अब से एक्टिंग नहीं करूंगा, मैं ये सब छोड़ दूंगा। प्लीज जाने दो सर, प्लीज सर, प्लीज सर, मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था सर, छोड़ दो सर, प्लीज सर। प्रिया एक मॉडल थी जो ग्लैमर फील्ड में काम करती थी और उसने प्रशांत से सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी। प्रिया ने उसको मारने का प्लान बनाया ताकि वो उसकी चीजों पे राज कर सके, और इसी के प्लान ने इसकी जान ली। प्रिया का बॉयफ्रेंड जो मर्डर में इसकी मदद कर रहा था वो फरार हो चुका था। इस केस को सॉल्व करने के लिए वो मुझे चाहिए ही चाहिए।
इस केस में वो मेरा हुक्म का इक्का है जो मुझे हर हालत में चाहिए, क्योंकि कॉलेज से ही हमेशा प्रशांत जीतता था और मैं हारता था, लेकिन अब इस केस में वो हारेगा और मैं जीतूंगा। मैं वो हर चीज करूंगा जो मैं करना चाहता था। ओ किशोर, हेलो सुमा। हाँ बोलो किशोर। सुमा एक जरूरी खबर है, प्रशांत को प्रिया के बारे में कुछ भी नहीं। किशोर हम लोग उससे नहीं छुपा सकते ये सब, नहीं तो उदास हो जाएगा। मुझे एक डेड बॉडी मिली, पहचानना मुश्किल था, लेकिन बाद में पता चला कि वो प्रिया का बॉयफ्रेंड गजेंद्र था। इसी वजह से मैंने प्रशांत को पुलिस स्टेशन में बुलाया। तुम्हें इस केस की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन यू डोंट वरी, अब ये केस हम हमेशा हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। और ये केस खत्म होने के बाद जो बंदा तुम्हें मिला था वो गजा, मेरा कहने का मतलब तुम्हारे पत्नी का बॉयफ्रेंड। क्या हुआ, शौक हो गया क्या? हमें उसकी लाश मिली और बॉडी पूरी तरह से खराब हो गई थी, और मुझे उसकी आईडी कार्ड से पता चला। फिलहाल पोस्टमार्टम के पहले कुछ बोल नहीं सकते, बट यू डोंट वरी, केस सॉल्व हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे लिए इतना भी नहीं करूंगा क्या? लेकिन ये तुम्हें थोड़ा महंगा पड़ेगा। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं ही गुनहगार हूं। देखो मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये बात कोर्ट, कानून, पुलिस ये सब मानेगी? देखो ये तुम्हारे रेपुटेशन का मैटर है, तो तुम सोचो बिना वजह के तुम्हें अंदर रहना पड़ेगा, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? क्या तुम अपने फ्रेंड से करोगे? हाँ सुमा, फ्रेंडशिप अलग और अपना धंधा अलग होना चाहिए। मैं जिस पोजीशन में बैठा हूँ वैसी इज्जत तो होनी चाहिए ना। Stop it. कितना चाहिए? Yes. ये हुई ना कोई बात। मुझे तुम्हारे वर्ड्स बहुत अच्छे लगे, पैसे की फिक्र मत करो। तुम इस पर साइन करो और इस पर लिखो कि तुमने बॉडी को पहचान लिया, इसके बाद मैं सब देख लूंगा। सुमा तुम्हारा पति एक महीने से गायब है, क्या आया वापस? कितने दिन हो गए तुम्हें बताए, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हें पैसे दूं? तुम्हें लगता है कि इसके लिए मैं फीस लूंगा? जब तुम अपने दोस्त के साथ ऐसा कर सकते हो तो मेरे साथ क्यों नहीं? इसकी बात में और तुम्हारी बात में बहुत अंतर है। हम कॉलेज के टाइम से फ्रेंड्स हैं, ये हमेशा जीतता था और मैं हार जाता था, और अभी मुझे मौका मिला है जीतने का, तो नहीं जीतू मैं? तुम ही बताओ। किशोर राजेश की इन्वेस्टिगेशन करो प्लीज। अरे कहाँ जाएगा वो, वापस यहीं पे आएगा, तुम टेंशन मत लो, वो वापस आ जाएगा, मैं संभाल लूंगा। हो गया। सुमा एक बात और, जब वो वापस आ जाए तो तुम उससे प्यार से बात करना, समझ गई? इट्स फाइन, बाय। प्रशांत मैं तुम्हें शाम को कॉल करता हूँ, मिलते हैं। ओके। मुझे पता था प्रशांत इतनी जल्दी अपनी हार नहीं मानेगा,
लेकिन इस बार मैं जीतना चाहता था। ये केस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एक अलग ही दिशा में चला गया। सर आप और ये फाइल। चल सब बता, अभी बता। बताता हूं सर। जी सर, जैसे भी मुझे कुछ भी पता चलता है बिल्कुल मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। नारायण इधर आ, जल्दी आ, इधर आ, गाड़ी की चाबी दे। किशोर प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम्हारा पति अब कभी वापस नहीं आएगा। मुझे डाउट था बॉडी को देखकर, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तब मुझे सारा कंफर्मेशन मिला कि राजेश का मर्डर हुआ है और ये प्रशांत ने किया है। और उसने ऐसा कर दिया कि बॉडी गजा के जैसी लगे। उसने एक ही पत्थर से दो चिड़िया मार दी और उसने ऐसा कर दिया कि किसी को कुछ पता नहीं चले। गजा, इतना दूर आने की क्या जरूरत थी? तुमने तो मुझे बता ही दिया था बॉस, तुम अपने प्लान में परफेक्शन का 100% ध्यान रखते हो, इसीलिए मैं आपको यहां तक इतना दूर लेकर आया। पर क्या करें, आप टेंशन मत लो भाई। वेरी स्मार्ट। थैंक यू बॉस। ये बता, एक्स्ट्रा फिटिंग क्या है जूनियर आर्टिस्ट वाली? हाँ बॉस, आपने अपने बीवी को रास्ते से हटाने का प्लान किया था, लेकिन मैंने एक मास्टर प्लान किया था,
उसे फंसाने का प्लान किया था बॉस, दैट्स इट। सही किया ना बॉस? बॉस आप उस रिवॉल्वर को मैंने चेंज किया था बॉस। परवाह नहीं, अच्छा हैंडल किया तूने। थैंक यू बॉस। गजा, हम जो करते हैं 100% परफेक्ट प्लान करते हैं, ना ही 99% करते हैं, ना ही 101%, 100%। तुम तो जानते होंगे पुलिस को तुम्हारी डेड बॉडी मिल गई है, पर तुम तो जिंदा हो। अब बचने के लिए मुझे बॉस तुम बहुत अच्छा जोक मारते हो बॉस। ये वीडियो एक बार देख लो बॉस। हाय गजा, गुड इवनिंग। क्या टेंशन क्या है? रिलैक्स। मैं सब जानता हूं, मेरी पत्नी और तेरी लव स्टोरी, तेरी डील जो मुझे मारने की थी, तेरा तैयार होना, मुझे सब पता है। ओके, सीधा मैटर पे डायरेक्ट आते हैं। उसने तुझे चीट किया, मुझ पैसे वाले से शादी किया, अब वो कह रही है कि वो तेरे पास वापस आ जाएगी। मेरे सवाल का मुझे जवाब दे। मुझे बता, तुझे लगता है कि तेरे साथ भी वो फेर रहेगी? नहीं बॉस, मुझे एक्चुअली भूल जा, मैं तुझे एक बेहतरीन ऑफर दे रहा हूँ। पूरी लाइफ, जिंदगी भर तू ऐश करेगा। मौका दे रहा हूँ तुझे फॉरेन कंट्री में सेटल होने का। क्या बोलता? प्रिया के बारे में सोच रहा है। पैसे आ जाएंगे ना तो प्रिया जैसी बहुत सी लड़की मिलेंगी। क्या बोलता? ठीक है बॉस, आपका ऑफर मुझे सही लगा, करते हैं बॉस। सुन, प्लान वही रहेगा, तू भी आएगा। जब हम हनीमून पे जाएंगे तो तू साथ चलेगा, बट स्मॉल चेंज है। टारगेट अब मैं नहीं, प्रिया रहेगी। अबे ये सिर्फ जोक था। देख, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। जो कहा है तुझे सब कुछ मिलेगा। सुन, ये डॉक्यूमेंट रेडी है, वीजा पासपोर्ट सब कुछ है इसमें। पैसे तेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तेरी फ्लाइट की टिकट कल बुक हो जाएगी, वहां जाकर परमानेंटली सेटल हो जा। बॉस आप क्या एक नंबर जोक मारते हो बॉस। भगवान आपको खुश रखे बॉस। बॉस एक और बात है बॉस, प्रिया बहुत चालाक लड़की थी, आपको पता नहीं है बॉस, उस लड़की ने आप पर दो बार अटैक करवाया था। एक बार तो उस पार्टी में किशोर आ गया था बॉस, और फिर वो दूसरी बार तो एक्सीडेंट का प्लान किया, लेकिन आप तब भी बच गए बॉस। आपको याद है बॉस कि एक लॉरी आपको धक्का मारने वाला था और आप वहां बच गए थे, वो उसी ने प्लान किया था बॉस। ये सारी चीजें मुझे पता थी बॉस, लेकिन थैंक गॉड बॉस आप बच गए। बॉस अगर इस कंट्री से मैं दूसरे कंट्री जाऊं तो कार में कितना समय लगेगा? इसका भी एक प्रोसीजर होता है। आहा, प्रोसीजर का मुझे कहां पता होगा बॉस। आप एक काम करो ना, आप मुझे कार दे दो बॉस, दे दो ना बॉस। घबरा मत। ये ले। थैंक यू बॉस, बाय बॉस।
बाबू कहाँ पर है? कलेक्शन पे गए वो। उसको बोलो कि एयरपोर्ट पे मिले मुझे। हाँ। हम उसे वहीं मिल लेंगे। ठीक है भाई। ए, चेकबुक दे रहे। हमने उसे जिंदा छोड़ के गलती कर दी है, वो अब चुप नहीं बैठेगा, उसको मरना ही पड़ेगा हमारे खिलाफ कहने से पहले, समझ गए तुम? तू तेरी मौत को पूरे शहर में ढूंढ रहा था और तेरी मौत तेरी साइट के ऊपर ही यहाँ इंतजार कर रही है। वेल वेल वेल, तुम्हारे जैसे जानवर का शिकार करके शिकारी को खुशी मिलती है। ए, इसको पूछ रहे हैं, इसकी कहानी सुनी क्या? शिकार खुद शिकारी के पास आ गया। अब दिखाता हूं तेरे को पावर, दे साले को। ए, क्या हुआ रे? सनबे, मैं जो भी करता हूँ 100% पक्का करता हूँ। ये देखा तूने? ये तेरी डेथ का नोट है, तेरे सुसाइड का टाइम आ गया है। सनबे, तो हमेशा चेक करता ना कि दूसरे की खोपड़ी कितनी मजबूत है। अब ये मेरा टाइम आया है, बिजनेस के अंदर भी मेरी खोपड़ी, पर तू तो सुसाइड कर रहा है। क्या हो गया तुझे? हाँ, तुझे तो खुश रहना चाहिए, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बीवी बच्चों के बगैर आराम से तू रखेल के साथ मरने जा रहा है। अबे ऐसी हरकत किया ही क्यों तूने? अब सुन तू मेरी बात, जैसा कहा है तू वैसे वैसे करता जा, फॉलो करेगा तो टॉप फ्लोर पे जाएगा, समझा क्या? नारायण, गाड़ी तैयार कर। जो भी मेरे रास्ते आया मैंने आज तक उसे बख्शा नहीं, पर तुझे मारने का मुझे मन नहीं कर रहा। मैं जानता हूं राजेश, तू एक अच्छा आदमी है, मेरे और सुमन के रिश्ते को लेकर तू परेशान हो गया था जानकर के, न्यूज़पेपर पढ़ के तू डिस्टर्ब था, इसलिए मैंने फिर से क्लैरिफाई तुझे करने किडनैप करके यहां लेकर के आया था। आई एम सॉरी, तू जा सकता है। सुमा एक अच्छी लड़की है, बाकी सब इस लेटर में लिखा है, लो। राजेश, सुमा का ख्याल रखना। मैंने ये जो कुछ भी किया सिर्फ सुमा के लिए किया, मैंने अपनी माँ को बहुत कम उम्र में खो दिया था, माँ का क्या प्यार होता है मुझे नहीं पता, सुमा मेरी लाइफ में जैसी आई तो असली प्यार क्या होता है मैंने तब जाना। कॉलेज डेज में ही मेरे बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पे आ गई थी, तब मुझे समझ में आया कि जिम्मेदारी क्या होती है, पर सुमा के आते ही उसने मेरी सारी जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले ली। पर मेरी किस्मत खराब थी, एक दिन उसने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया और मुझे अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड दिया, उस दिन मेरे पाँव तले मेरी जमीन निकल गई।
ऐसा लगा जैसे कि एक तूफान आया। वो जानती थी कि कंपनी में उसके बगैर मुझे बहुत मुश्किल होगी, इसलिए उसने अपनी जगह प्रिया को इंटरव्यू में सिलेक्ट किया और उसकी जगह प्रिया को मिल गई। तब मुझे प्रिया के झूठ के बारे में कुछ समझ नहीं आया। सुमा को भी प्रिया की असलियत के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। प्रिया के लिए सुमा के ऊपर जो विश्वास था वो मेरे लिए प्रिया के प्यार में बदल गया। मुझे शादी के दो दिन के बाद प्रिया की असलियत के बारे में अचानक पता चला। अचानक एक दिन उसके मैसेज मैंने देखा फोन के ऊपर। अचानक मैंने देखा कि मैसेज से मुझे समझ में आया कि प्रिया ने शादी मुझे मारने के लिए की है। मैंने सुमा को इसके बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि वो अपसेट हो जाती, और मैंने एक फॉरेन ट्रिप सीक्रेटली प्लान किया और इसका फोन मैंने हैक कर लिया। मैंने सारे डिटेल्स कलेक्ट किए और उसे मारने का प्लान फिक्स कर लिया। सिर्फ उसे नहीं, मैंने प्लान किया हर उस शख्स को खत्म करना जिसने सुमा और मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाया था। प्रिया को मारना मेरे लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि मैं प्लान के बारे में सब कुछ जान गया था। जब उसका बॉयफ्रेंड गजा वहां से भाग गया तो उसकी बॉडी को जला दिया मैंने कंप्लीटली, और उसे गजा की बॉडी बनाकर मैंने एविडेंस क्रिएट कर लिया। बट किशोर ने जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस बॉडी को देखा, बॉडी के अंदर रॉड देखकर उसे लगा कि ये राजेश की बॉडी है। राजेश की बॉडी लगते ही उसे कंफ्यूजन हो गया। और उसका कोइंसिडेंस ऐसा था कि राजेश के एक एक्सीडेंट के अंदर पाँव में रॉड लगा हुआ था, और इसी तरह किशोर फेल हो गया। प्रिया का एक मास्टरमाइंड था हर एक प्लान के पीछे, और मैंने इस बात को नोट कर लिया। और फिर वो भी दुनिया छोड़कर चला गया। मेरा सबसे विश्वासु आदमी था नारायण। इंटरव्यू लेने से लेकर मेरी मौत और सुमा को मेरी लाइफ में लाना, सब कुछ उसका प्लान था। और इसी तरह मैंने हर उस शख्स को मार दिया जो मेरी कंपनी और जिसने सुमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। और फिर मेरा जो कुछ भी था मैंने सब कुछ अपनी सुमा के नाम कर दिया। सुमा ने सारी जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले ली, सिर्फ अपनी ही नहीं, कंपनी के जितने वर्कर्स, उनके परिवार, उन सब के जितने अनाथालय वगैरह, सब की जिम्मेदारी सुमा ने खुद अपने कंधे के ऊपर ले ली। मैं सुमा और राजेश की लाइफ में दोबारा कभी बीच में नहीं आऊंगा। हो सके तो मुझे माफ करना, तुम्हारा अपना। प्रशांत